इस समय आगरा में सूरसदन में आयोजित जो 3 दिवसीय कैंसर जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज पुरुषों के कैंसर के ऊपर चर्चा होनी है, संगोष्ठी होनी है। इस गोष्ठी में चर्चा की गई कि पुरुषों में मुख्य कैंसर जो होता है वो मुंह का कैंसर होता है, और ये एक ऐसा कैंसर है जो पूरी तरीके से इससे बचा जा सकता है। यह कैंसर तंबाकू खाने की वजह से होता है, और यदि तंबाकू छोड़ दिया जाए तो इस कैंसर से पूरी तरह बचा जा सकता है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला या घाव होना जो ठीक नहीं हो रहा हो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक, मुंह के अंदर खाल का रंग बदल जाना, और ऐसे किसी भी लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आमतौर पर जल्दी अवस्था में पकड़े जाने पर इस कैंसर का पूरी तरीके से इलाज संभव है, जो कि ऑपरेशन के द्वारा होता है, जिसमें शहर के जाने माने जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल डिस्कशन है, जिसमें आम जनता को कैंसर के बारे में जागरूक किया जाएगा कि कैंसर के कारण क्या हैं, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर के खतरनाक साइन क्या हैं और कैंसर का सही ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आम जनता को बताया जाएगा। सर, इसमें सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, जनरल सर्जन है, फिजिशियन है, सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी स्पेशलिटी के उसमें भाग अपना ले रहे हैं। पूरे आगरा शहर से लोग आए हैं इसके अंदर, और कुछ ग्रामीण इलाकों से भी लोग हैं, और भी हम लोगों का रैली भी हम लोग रेगुलर निकालते रहते हैं, जैसे कि जागरूकता पूरे समाज के अंदर फैलती रहे।